वेलकम टू अल खालिक एकेडमी ई लर्निंग प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सब्जेक्ट है इस्लामियात। जैसे कि हम इस्लामियात का वर्क स्टार्ट करने से पहले हम नाजरे पे आते हैं। सबसे पहले आपको ये वर्क दिया गया था, सबसे उसमें नाजरा आपको क्लियर बताया जा रहा है। देखिए, आपको सबसे पहले पहला कलमा दूसरा कलमा दिया है। कलमे में आपको सिर्फ दो कलमे दिए गए हैं। पहला कलमा दिया है ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसका तर्जुमा अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ऐसे आपको दूसरा कलमा दिया गया। दूसरा कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसका तर्जुमा है, मैं गवाही देता हूँ या देती हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो ही है, इसका कोई शरीक नहीं। मैं गवाही देता हूँ या देती हूँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। आप ये दोनों कलमे दिए गए थे, आपने कलमे याद करके आपको साथ में तर्जुमा भी याद करना है, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे आउज़बिल्लाह, आपको ये दिए गए आउज़बिल्लाह मैंने शैतान अर्जुन बिस्मिल्लाहिर्रहमान का तर्जुमा दिया गया। जैसे कि आउज़बिल्लाह का तर्जुमा है, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह के शैतान मरदूद से। ऐसे आपको बिस्मिल्लाह का तर्जुमा दिया गया, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ये आपको कलमा और आउज़बिल्लाह के बारे में बताया। नेक्स्ट आप लोगों को दुआएं दी गई हैं, खाने से पहले की दुआ, खाने के बाद की दुआ। खाने से पहले की दुआ है बिस्मिल्लाह व आला बरकतिल्लाह। तर्जुमा है, मैंने अल्लाह के नाम के साथ अल्लाह की बरकत पर खाना शुरू किया। आपको खाने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अज़ वजल का शुक्र है जिसने हमें खिलाया पिलाया मुसलमानों में से बनाया। इस तरह से आपको ये नाजरे में कलमे दिए गए, आउज़बिल्लाह मैंने शैतान अर्जुन का तर्जुमा दिए गए, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद की दुआ दी गई है। ये आपको तीनों चीज़ें याद भी करनी है, बिल्कुल तर्जुमे के साथ आपको अच्छे से याद करके आनी है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने चैप्टर की तरफ से कि हमें चैप्टर दिए गए अल्लाह सबको खाली कहते हैं। हम नेक्स्ट हम आते हैं रीडिंग की तरफ। आप बुक ओपन करें, पेज नंबर आप ओपन कीजिए, पेज नंबर 3 ओपन करेंगे आप, ठीक है। अब मैं रीडिंग करूँ, आप गौर से सुने। अल्लाह सबका खालिक है, ये आपका टाइटल का नेम है। हम सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया है। ये रंग रंग के फूल फल पौधे पौधे सब अल्लाह ने पैदा किए हैं। दरिया समुद्र पहाड़ मैदान अल्लाह ताला ने बनाए हैं। ज़मीन आसमान सूरज चाँद सितारे सबका खालिक अल्लाह ताला है। हवा जिन फरिश्ते इंसान हर एक को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पैदा किया है। अल्लाह सबका मालिक है। ये आपको जो है ये छोटा सा आपका चैप्टर था अल्लाह सबका खालिक है, मतलब कि उसमें बताया कि अल्लाह ने ये रंग रंग के फूल पौधे ये दरिया समुंदर पहाड़ जो भी चीज़ें बनाई है सबकी किसकी पैदावार है, सब अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं। ज़मीन आसमान सूरज चांद सितारे जो भी सब किसने बनाए, इन सबका खालिक कौन है? अल्लाह ताला खालिक में बनाना, मतलब किसने बनाया? अल्लाह ताला ने बनाया है। ऐसे ही आपको नेक्स्ट में हैवान जिन फरिश्ते इंसान सब किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अल्लाह ताला हमारे सबसे हमारे जो है हमारे नबी अल्लाह ताला ने सबसे पहले हमारे प्यारे नबी सल्लम का नूर पैदा किया। अल्लाह सबका मालिक है, मतलब कि जो भी दुनिया में चीज़ें बनाई गई वो सब किसकी बनाई गई? अल्लाह ताला ने बनाई है। ये हमारी रीडिंग थी। अब आते हैं हम अपनी वर्किंग की तरफ, ठीक है। इस्लामियत में आपको बिल्कुल प्रॉपर और बिल्कुल सफाई से आपने वर्क करना है। अब वर्क के साथ करेंगे हम। फर्स्ट पेज पर आपने फर्स्ट टर्म की हेडिंग डाली ब्लू कलर से, जिस तरह से मैंने डाली बिल्कुल एज इट इज़। आपको इस तरह से हेडिंग डालने के बाद आप इंडेक्स पेंगे, आपने ब्लू लाइन पे आपने सिलेबस बनाया, फर्स्ट टर्म की हेडिंग डाल दी है जिस तरह से मैंने डाली, ब्लू कलर इस्तेमाल करेंगे। ये ब्लैक कलर से आप लाइन ड्रॉ करके इंडेक्स रेडी करेंगे। ऐसे ही आपने सेंटर में फेरस कॉर्नर में दस्तखत नंबर जो भी आप चैप्टर का आपका नेम होगा, सबक नंबर 1 जो भी आप होगा आपने, जैसे कि हमारे यहाँ पे सबक नंबर 1 कौन सा था? अल्लाह सबका खालिक है। आपने चैप्टर का नेम और नेक्स्ट आपका जो जो आता जाएगा आपने वो सबक नंबर 2 जो भी होगा, सबक नंबर 3 जो भी होगा आपने इस तरह से करना है। नेक्स्ट हम आएंगे अपने टाइटल पेज की तरफ। आपने रेड लाइन हेडिंग डाली है सबक नंबर एक आपने हेडिंग डाली रेड लाइन पे, सबक नंबर 1 आपने टाइटल का नाम आपने ब्लू कलर से लिखना है, अल्लाह सबका खालिक है। अल्लाह सबका खालिक है आपने टाइटल पेज बनाना, कोई पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं, बस आप बिल्कुल सफाई से आपने टाइटल पेज मेंटेन करना है। और एक बात और मैं बता दूँ कि देखिए आपको नाजरे मैंने बताया कि आपको कॉपी वर्क में इसमें सिर्फ जस्ट आपको आउज़बिल्लाह मैंने हम कॉपी वर्क के स्टार्ट करने से पहले आउज़बिल्लाह मैंने शैतान अर्जुन बिस्मिल्लाहिर्रहमान हम पढ़ते भी और कॉपी स्टार्ट पे लिखते भी हैं। जैसे कि हम जो है अपना टाइटल पेज वगैरह बनाएंगे, जैसे कि हम मैंने आपको इसका फर्स्ट टर्म का बताया, इंडेक्स का बताया, इंडेक्स के बाद आपने नेक्स्ट पेज पे क्या करना है, आपने
और नाज़रे में आपने हेडिंग डाली रेड लाइन पे, उसके बाद आपने ताउस तस्मिया का सिर्फ जस्ट आपने तर्जुमा, जिस तरह से मैंने ताउस तस्मिया की हेडिंग डाली, ताउस का तर्जुमा, तस्मिया का तर्जुमा, आपको कलमे और दुआएं लिखने की ज़रूरत है। जैसे आपने ताउस तस्मिया का तर्जुमा करने के बाद आपने टैरेट पेज पे आना है। मैं फिर से बता दूँ कि आपने सबसे पहले ये ताउस तस्मिया का तर्जुमा करने के बाद आपने टैरेट पेज पे आना है। फिर टैरेट पेज पर आप हेडिंग डालेंगे, जैसे मैंने बताया कि ब्लू कलर से आपने टैलेंट का नेम लिखना है, पिक्चर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट हम आएंगे अपनी खुशखती की तरफ, दोनों साइड्स पे लाइन ड्रॉ करनी है। रेड लाइन पे आपने खुशखती की हेडिंग डाली है, डेट डाली है, फिर आपने वन पेज राइटिंग करनी है। वन लाइन गैप देकर आपने वन फिंगर का डिस्टेंस देकर हर वर्ड के बाद और वन लाइन का गैप देकर आपने वन पेज राइटिंग करनी है। नेक्स्ट हम आएंगे अपने सवाल की तरफ, दोनों साइड्स पे आपने लाइन ड्रॉ की, ऐसे ही आपने डेट डाली, फिर सवाल के जवाब की हेडिंग डाली, फिर आपने वन लाइन का गैप दिया। सवाल नंबर एक आपने ब्लू कलर से हेडिंग डाली, फिर आपने सवाल नंबर एक आपने करना है। आपने ये याद रखी कि आपने सवाल और जवाब जो भी है आपने पेंसिल से ही करना है। आपने हेडिंग जस्ट आपने ब्लू कलर से डाली है। सवाल नंबर एक हमारे यहाँ पे क्या दिया गया है, सवाल हम सबको किसने पैदा किया है, हम सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया है। यहाँ पे जहाँ पे अल्लाह ताला की बात हो रही है वो आप ब्लू कलर से जवाब में लिखेंगे, जस्ट जवाब में। नंबर टू आपका है जमीन आसमान सूरज चांद तारे सबका खालिक कौन है, जमीन आसमान सूरज चांद तारे सबका खालिक अल्लाह ताला। यहाँ पे अल्लाह ताला की बात हुई तो आपने कौन से कलर से लिखना है, ब्लू कलर से जवाब में। नंबर थ्री ऐसे आपका क्वेश्चन, अल्लाह ने सबसे पहले किसका नूर पैदा किया, अल्लाह ने सबसे पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पैदा किया, किसका नूर पैदा किया, प्यारे नबी, तो ये आप जवाब में ब्लू कलर से ही राइट करेंगे। ठीक है, मेन बात होगी तो आप ब्लू कलर से करेंगे। नेक्स्ट हम आएंगे अपने इंतखाबी सवालात की तरफ, ऐसे ही आपने जैसे सवालात की लाइन ड्रॉ की जैसे आपने इंतखाबी सवालात की लाइन ड्रॉ करनी है, डेट डाली इंतखाबी सवालात की हेडिंग डाली है ब्लैक कलर से, वन लाइन का गैप देके आपने नंबर वन डालना है, फिर उसके बाद आपने पेंसिल से जो भी आपको फील किए वो करना है। याद रखिए कि आपने जो आपने अंडरलाइन है वो आपकी ब्लैक कलर से होगी और जो आपने ब्लैंक में फील करना है वो आप ब्लू कलर से करेंगे। ये जो ब्रैकेट में आपको इसमें देखिए कॉपी में ब्लू कलर से आपने ब्रैकेट में लाना है, टिक दिया, ब्लू कलर से लगाएं, ब्लू कलर से ब्लैंक फिल करनी, अंडरलाइन आपने ब्लैक से करनी। नंबर वन हमारा डैश ने हम सबको पैदा किया, किसने पैदा किया, नबी ने या अल्लाह ताला ने, तो अल्लाह ताला ने। आपको यहाँ पे हाईलाइट भी किया है, फिर भी आप पढ़ के आप टिक करके ब्लैंक फिल कीजिएगा। नंबर टू फूल और फल पौधे सब डैश ने पैदा किए, किसने पैदा किए, अल्लाह ताला ने पैदा किए, इंसान ने, तो अल्लाह ताला ने पैदा किए। दरिया समुंदर पहाड़ और मैदान डैश ने बनाए, किसने बनाया, अल्लाह ताला ने बनाए, रसूल ने, तो अल्लाह ताला ने बनाए। नेक्स्ट नंबर फोर जमीन आसमान सूरज चांद तारे सबका डैश अल्लाह है, कौन, खालिक, मालिक, तो खालिक। नंबर फाइव अल्लाह ने सबसे पहले पैगंबर सल्लम का डैश पैदा किया, नूर पैदा किया, तारीखी तो नूर। यहाँ पे हाइलाइट्स में फिर भी आप पढ़ के उसे ब्लैंक में फिल कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे इंतखाबी सवालात के बाद हम दुरुस्त गलत पे आएंगे। आपने वन लाइन के आपने हेडिंग डाली ब्लैक कलर से, वन लाइन का गैप देखे आपने नंबर वन, पेंसिल से आपने टू फॉल्स करना, ये सही गलत करनी है। हमारा नंबर वन है, हम सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया, सही या गलत, तो हमारा सही आएगा। आपने ब्लू कलर से ब्रैकेट में बनाना है और आपने दुरुस्त होगा तो आपने ब्लू कलर से और इस तरह से आपने करना है। नंबर टू हमने आसमान सूरज चांद तारे बनाए, क्या हमने बनाया, गलत, तो क्या होगा, गलत। नंबर थ्री हम सबका खालिक अल्लाह है, तो हम सबका खालिक कौन है, अल्लाह, तो बिल्कुल सही है। नंबर फोर दरिया समुंदर पहाड़ मैदान हमने बनाए हैं, तो हमने बनाए नहीं बल्कि गलत। इस तरह से हमारा ये वर्किंग था, वर्किंग थी, आपने वर्किंग मैंने आपको अच्छे समझा दी, फिर भी आपको कुछ समझ ना आया वर्किंग करते हुए, खुद भी आपको कन्फ्यूज हो तो आप स्कूल में आकर टीचर से रब्ता करें। आपने वर्किंग करने के बाद एंड में आपने सवाल नंबर एक मुकम्मल की हेडिंग डालनी है। ये आपका चैप्टर था जो कि कंप्लीट हो गया है। ओके, अल्लाह हाफिज।